राजस्थान के सिकंदरा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ सरकारी अधिकारी और पार्षदों ने एक होटल में करीब 15,000 रुपए का नाश्ता किया। जब बिल चुकाने की बारी आई तो अधिकारियों ने आनाकानी शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये अधिकारी होटल मालिक के साथ बिल को लेकर बहस करने लगे। उन्होंने न सिर्फ होटल मालिक से झगड़ा किया बल्कि उसे डराने धमकाने तक की भी कोशिश की। होटल मालिक ने कई बार उनसे विनम्रता से अनुरोध किया कि वे अपना बिल चुकाए, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी। आखिरकार इन अधिकारियों ने बिना पूरा अमाउंट चुकाए होटल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। इस घटना ने न केवल होटल मालिक को आर्थिक संकट में डाल दिया बल्कि स्थानीय जनता में भी गुस्से की लहर पैदा कर दी। आइए जानते हैं पूरा मामला। राजस्थान के दौसा जिले के सिकंदरा से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक होटल में कुछ अधिकारी और पार्षद करीब 15,000 रुपए का नाश्ता करके जाने लगे और तब पैसे चुकाने की बारी आई तो आनाकानी करने लगे। बताया जा रहा है कि ये सभी अधिकारी पहले तो होटल मालिक से बिल कम कराने को झगड़ते रहे और फिर उन्हें डराने धमकाने भी रहे। अंत में रोब दिखाते हुए बिल का आधा पैसा देकर वहां से निकल गए। दरअसल सिकंदरा में एक होटल में जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अधिकारी और होटल मालिक के बीच तीखी बहस हुई। इस होटल में नगर निगम ग्रेटर की टीम नाश्ता करने रुकी थी। जब उन्हें सभी अधिकारियों ने नाश्ता कर लिया तो फिर होटल मालिक ने उन्हें 14,700 रुपए का बिल थमा दिया। यहां तक कि होटल मालिक ने 2,000 का डिस्काउंट भी दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आप अगर हमें मारना चाहते हैं तो आप ये कह करके खाना खा लिया, उसके बाद में आप ये कहें आपको आपको तो हमको ये देना है। खाना खाया ही नहीं ना, बात ही है। चलो कोई बात नहीं, दिखाया तो आप पेमेंट ही ना करेंगे। तो आप मैडम और ये पेमेंट को ऐसे नहीं कि आप ये कहें कि हमको ये देना चाहते हैं। गलत बात आप बोले मैडम, ऐसे ये गलत बात मत बोले। आप मुझे अधिकारी का नाम दिखाएंगे, मैंने आपको नहीं बताया मैं क्या हूँ। नहीं दिखाए तो आप दिखाइए, चलो नहीं आप दिखाइए, जो कह रहा हूँ आप दिखाइए। कितना अधिकारी का होगा आप वहां से लेकर के वापस करिए, वहां तक आपका चल रहा है वापस करिए। ऐसे नहीं, मैंने आपसे चार प्रेम ये कह रहा हूँ, आप मैं आपको मजबूत कर सकता हूँ। कैसे करना है हमें, हम यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं, आपसे भरा करने के लोग यहाँ आते हैं। मैडम मैंने चाय बनाया, अगर मेरा भगवान साक्षी है, अगर इसमें गलत है तो ये भी गलत है, क्या बात कर रहे हो आप। और फिर दूसरी बात ये है कि आप ये कहें कि साहब हम आपको इस तरीके से दबा करके ले लें कि साहब हम लेडीज हैं, आपको भी तो आप कुछ भी दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये अच्छा जाएगी है, आप भी अच्छा काम करते हैं, आप भी बैठते हैं, हम भी हमारा काम करते हैं, हम भी मेहनत करके पैसा लेते हैं, आप भी ऐसे तो नहीं ले रहे। आप तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि एक लेडीज होने का, एक अधिकारी होने का या उस तरह का फायदा उठा करके आप हमें दबाना चाह रहे। हमने तो नहीं कहा मैडम, देखो शुरुआत ही आपका बहुत अच्छी लैंग्वेज है। आप एक आप गायक जो पाते हैं कि हमने आपको 10% लेस करके दे दिए, आप खाने के बाद में सब अब यहाँ लोग हैं उनके लिए दही मना करेंगे, आपके लोग हैं दही हमें दो और ऐसा लोग हम मना करेंगे क्या? आप कहोगे ये क्या कर रहे हो मैडम? मैडम आपको मैडम काफी अच्छी बदास लोग होते हैं यहाँ बैठते हैं, तो हम उनको उसका नहीं कर पाते हैं कि आप ये कहें कहीं भी आप एक होटल में चले जाए, एक डेढ़ घंटे का हमें समय चाहिए। आपको मैं नहीं, आप इसका मतलब ऐसे नहीं है कि आप हमें जबरदस्ती ये करके ये कहें पांच लीटर अमूल का लेंगे, अमूल वाला जो है ना। आप
बताया जा रहा है कि अधिकारी फिर भी नहीं माने और डिस्काउंट दिया गया फिर भी पैसे नहीं दिए। होटल मालिक के अनुसार जयपुर नगर निगम ग्रेटर की टीम के करीब 50 से 60 लोगों ने नाश्ता किया था, जिसमें उन्होंने पराठे लिए थे, जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर आचार की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाती है, लेकिन उन्होंने इससे हटकर पराठों के साथ दही की डिमांड की। हमने उनको खाने में चार्जेबल दही उनको परोसा, जिन्होंने उनमें से कुछ लोगों ने दोबारा 2 से 3 बार लिया। होटल मालिक ने नगर निगम के अधिकारियों के कहने पर 14,700 रुपये के बिल में 2,000 रुपये का डिस्काउंट देकर 12,700 रुपये चुकाने को कहा। होटल मालिक का कहना है कि खाना खाने से पहले डिस्काउंट को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन खाना खाने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने होटल के स्टाफ को धमकाया और कार्रवाई की धमकी दी। इसके बाद अधिकारियों ने सिर्फ 8,000 रुपये होटल संचालक के हाथ में थमा कर चले गए। बताया जा रहा है कि ये सभी जयपुर नगर निगम के ग्रेटर के अधिकारी थे। आप बता सकते हैं कि इसके अंदर मतलब क्या हुआ, ये क्या थोड़ा सा क्या घटना हुई? हाँ बिल्कुल, 16 तारीख की घटना है सर। अच्छा, 16 तारीख को बुधवार को हाँ दो गाड़ियां थी, एक दो बस और छोटी गाड़ी फोर व्हीलर दो थी। ये करीब 60 लोग थे, जब 60 लगभग मतलब हो गया। हाँ लगभग, हाँ हाँ हाँ, खाना ले लिया था इन्होंने पार्षदगंज से, तो वो खाना लेकर के और करीब ये आए और इन्होंने जैसे ऑर्डर दिया तो टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा लग गया। बिल्कुल सर, खाना लेने में और हाँ 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 सर, तो लग गया, हो गए फ्री, हो गए 5-7 लोग अपने पसंद बैठ करके खाना खा करके और निकल गए और चले गए। उसके बाद एक ही गाड़ी रुकी, उसमें 3 लेडीजे थी जो वो रुकी पेमेंट के लिए। उन्होंने बोला पेमेंट आप बिल बनाइए, हमने उन्हें वैसे बताया कि ये नहीं नहीं ये तो कंसेशन करो इसमें। अच्छा, सॉरी बनाते हैं ना, तो ठीक है, मैंने उनको कंसेशन 14,700 का अपना पेमेंट था, उनको कंसेशन किया लगभग 2,000 रुपए। हाँ तो 10% करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा साहब आप जो है देखो कंसेशन हम अधिकारी हैं ऐसे और आगे भी हम ध्यान रखेंगे, तुम देख लेना, चलो मैंने की कोई बात नहीं। तो मैंने कंसेशन किया 2,000 करीब हो गया, वो जो है देख करके एक बार ये इतने 102-107 पराठे, मैंने भी 9 पराठे इसमें आपके ड्राइवरों को पैक किया, 6 को जो कचोरी वगैरह खा करके गए थे उन्होंने कहा मैं पैक कर दो हम जल्दी में, तो बोले क्यों पैक करवा दिया? अरे मैंने मैडम वो बाहर आपके ही लोगों ने कहा कि भाई पैक कर दो, कोई बात नहीं ये खा नहीं पाएंगे हम इनको। नहीं 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 चलो मैंने मैडम देख लेंगे आप और कंसेशन कर देंगे, आप मत देना इनका पेमेंट। सही है, देख करके 12,000 आपने 14,707 पराठे मैंने मतलब हम आपको संतुष्ट कर सकते हैं, आप किचन में खुद आप देख रहे थे सारा आपके सामने था और दही जो है कॉम्प्लीमेंट्री में हम आचार देते हैं, आपको मीनू आपको दिखा दिया था, बोले आपका मीनू तो 80 रुपए का पराठा है क्या? मैंने मैडम आप मीनू हमारे यहाँ पर प्रत्येक टेबल पर है आप देख सकते हैं और मीनू देख करके ही आपने डिसीजन लिया, तो बोले हमने तो ये दही आपने ये क्वांटिटी में मैंने बताया उनको
पचास साठ लोग करीब एक आधे से कम लोगों ने, आधे लोगों ने लगभग दो बार आया, किसी ने 10-20% ने तीन बार लिया था ही। अच्छा, जिसकी क्वांटिटी, हाँ ये इस तरीके से वो बता करके उनको बताया। फिर वो अपने अधिकारी का रोब जमाया उन्होंने, मैं अधिकारी हूँ और मैं ऐसे कमिश्नर हूँ और इसमें हूँ और मैं भी अधिकारी हूँ दूसरी जो लेडीज थी। और उन्होंने काफी, मैंने बड़े प्यार से उनको प्यार प्रेम से कहा भी, मेरे पास वीडियो भी है, सारी वीडियो है सीसीटीवी के, हाँ कैमरे है। मैंने उनको बताया था मैडम आप सब चीज मैं आपको संतुष्ट कर सकता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ और ये नहीं होता है कि आप मुझे ब्लेम करें, तो ये तो एक तो सीधा ब्लेम हो गया। सही है, आप ये कर सकते हैं कि आप इसको कम कर, मैंने 14,700 का 2,000 रुपये और कम दे जाए तो हमें संतुष्टि होगी कि आपने खाना भी खाया, लोगों ने कहा खाना अच्छा है, सारा अच्छा है भाई। सर्विस में थोड़ा सा मैं जानता हूँ, जितने लोग आते हैं तो टाइमली हो जाता है, आप जहाँ 10 पराठे आने हैं वह साथ आएंगे तो हमने उनके टुकड़े करके करके भी सबको एडजस्ट किया है। तो वो टाइमिंग के लिए मैं माफी चाहता हूँ, आगे आप अगर जल्दी एक बार फोन करेंगे ना, आपके कोई भी जानकार आएंगे तो अभी हम फोन करेंगे तो हम अच्छी आपको सर्विस दे पाएंगे, थोड़ा टाइम के लिए हम माफी चाहते हैं। बिल्कुल टाइम लग जाता है सर्विस में, अगर कोई कमी हुई है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं और आगे हम आपको ऐसा सर्विस में कमी नहीं रखेंगे। नहीं 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 मैं इसमें आधा दूंगी। अच्छा। ये क्या मतलब है कि आप आधा देंगी, 14,000 बन गए आप 12,000 कर दिए, 6,000 देंगी, ये तो गलत बात है। ये तो आप हमारे साथ में हम जितना 50% तो हम पैदा नहीं करते, हमारी लागत भी नहीं आती है। सही। आप फिर भी ये है कि चलो आप ये कह रही है कि भैया आपको आप वीडियो नहीं देखना चाहती है, आपकी सीसीटीवी नहीं देखना चाहती है, तो आपकी संतुष्टि के लिए ही, सम्मान के लिए ही पैसा कम किया जाता है, हम पैसा इतना कम नहीं करते हैं। जी सही है। फिर भी आप जो चाहें वो कोई बात नहीं, आप और 1,500 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ब्लेम नहीं करें, ब्लेम करती है तो मेरा पेमेंट पूरा लगेगा। जी सही। आप ब्लेम नहीं करें मेरे पर कि आप तो सीधा ब्लेम कर रहे हैं, तो आपको मैं संतुष्ट कर सकता हूँ, मैं आपको सारी आपकी जो भी सीसीटीवी है उसमें काउंटिंग करा सकता हूँ। ठीक है, जितने लोग आपने भी देखे हैं कि जो पहुंच रहे हैं उससे पहले सब खड़े होकर के ले रहे हैं। ठीक है, अब सारे लोग पार्षद वहाँ कोई नहीं था, देखो सब लोग चले गए थे पार्षद लोग वगैरह जी, क्योंकि आप जानते हैं उनमें मैं भी वहीं था, उन्होंने भी कहा खाना अरे बहुत अच्छा टेस्टी है भाई खाना जी। तो कुछ लोग अगर ऐसा होता तो वो भी कहते कि नहीं यार कोई बात नहीं, पर उन्होंने उनको शायद उनका प्लान यही था कि हम पैसे की इनसे जो है अधिकारी का रोब जमा करके और जो है हम इनको पैसा कम देंगे। तो वो इस तरीके कह के आपको लेना है क्या आधा पैसा? मैंने ये देखो जी ऐसा नहीं होता है कि आप आधा दे करके तो हमें तो इससे अच्छा है कि आप लेते, हम तो ये करेंगे कोई बात नहीं, हमने तो वैसे ही खिला दिया। सही। वो एक बार बाहर आ गए इस तरीके से कह करके। अच्छा। और बाहर जा करके और फिर कुछ कर्मचारी हमारे भी है, भाई साहब कैसे ही है चाहिए तो ऐसे है हम ग्राहक वो करेंगे, बाहर है वो करिए हम तो ये देंगे। फिर वो 8,000 के करीब उन्होंने पेमेंट वापस अंदर आए, अंदर आकर के फिर बहुत बहस करने लगी, तो वो 8,000 पेमेंट करके चलेगी क्योंकि लेडीज की। सही है। हम जो है इस तरीके से लेडीज हैं, उनके साथ कोई जेंट्स नहीं है जिनसे हम बात करें, और अधिकारी अपने आप में जो बता रही है तो हर आदमी एकदम कोई भी हो लेडीज के साथ ज्यादा उलझना भी नहीं चाहता है सच। सही है। यही सोचता है कि जैसे भी जो कहते हैं अपने भाषा में भागे चोर का रूम से जो बग गया उसका कुछ भी ले ले जो अच्छा है। सही है। इस तरीके से उन्होंने करके और पेमेंट 8,000 ही दिया, 8,000 आपको पेमेंट दिया है उन्होंने। हाँ। वहीं घटना को लेकर नगर निगम ग्रेटर के नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि कुछ अधिकारी सरकारी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हाल ही में एक होटल में अधिकारियों के द्वारा नाश्ता करने और फिर पूरा अमाउंट चुकाए बिना भागने की घटना ने इस मामले को और अधिक गंभीर बना दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये केवल घटना नहीं बल्कि ऐसी कई घटनाएं हैं जो दर्शाती है कि कुछ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। उनका प्रशासन से मांग है कि इस
मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि सरकारी अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए काम करना चाहिए, ना कि उनके अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए। एक तरफ तो हम उम्मीद करते हैं कि चुने हुए जो प्रत्याशी हैं वो आम जन की सेवा करें, अपने अच्छे व्यवहार का परिचय दें और नगर निगम ग्रेटर की जो साख है उसमें चार चांद लगाएं और आमजन के अंदर एक अच्छा मैसेज जाना जाए। लेकिन जो कल ये घटना हुई है ये बिल्कुल भी हमारे नगर निगम के जो एक इमेज है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और इससे बहुत नकारात्मक छवि गई है नगर निगम के पार्षदों की, क्योंकि आमजन के अंदर हमेशा पार्षदों के लिए जो आदर सत्कार रहता है और जो एक अच्छी इमेज रहती है ये उसके बिल्कुल विपरीत इन लोगों ने ये करते किया है। और ताजुब की बात तो ये है कि इतने सारे पार्षदों में से किसी एक भी पार्षद ने अपनी परिपक्वता का परिचय नहीं दिया और उसने स्थिति को काबू करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। उनको अच्छी तरह पता है कि हम कितने बड़े काम के लिए जा रहे हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो उनकी हकीकत है वो कहीं ना कहीं निकल के बाहर आई गई और एक आम व्यापारी को उन्होंने परेशान किया और नगर निगम की साख पे भट्टा लगाने का ये कृत्य किया है और इसकी मैं निंदा करता हूँ अगर उन्होंने ऐसा कृत्य किया है तो। जानकारी के अनुसार सभी अयोध्या जा रहे थे तभी नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों की बस चाय नाश्ता करने के लिए रुकी थी। इस दौरान नगर निगम ग्रेटर की पशु शाखा उपायुक्त रजनी मादीवाल और अग्निशमन शाखा की उपायुक्त सरिता चौधरी ने होटल के बिल को लेकर काफी बहस की। इस घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में सरकारी अधिकारी जनता की सेवा के लिए हैं या वे अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं की जाती जब तक आम जनता की आवाज दबती रहेगी। हम सभी को मिलकर इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ खड़ा होना होगा और अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा और दोषियों को सजा दिलाएगा। और अब सभी की निगाहें प्रशासन की ओर है कि वह इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। ये देखना जाना बाकी है कि क्या प्रशासन इन आरोपों को गंभीरता से लेता है और अधिकारों को जवाबदेही ठहराता है।